वो ही नेता है जिसमें बड़े फैसले लेने की क्षमता हो, वो ही नेता होता है। सालों से पाकिस्तान हमारे यहां घुसपैठ करता था, हमारे सेना के जवानों के सर काट कर ले जाते थे, पैर से अपमानित करते थे, दिल्ली के आकाओं के माथे पर जू नहीं रहती। नरेंद्र मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में हमला किया, एक बार एयर स्ट्राइक किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, घर में घुसकर जवाब, और समग्र देश के अंदर एक आत्मविश्वास जगाया कि हमारे देश की सीमा और हमारे देश की सेना को कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। और पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि इजराइल और अमेरिका के बाद अगर कोई गलती करता है तो घर में घुसकर दंड देने का किसी में सामर्थ्य है तो मेरे और आपके भारत के अंदर। ये संदेश में वो बड़ा फैसला लेते नहीं, नोटबंदी हो, जीएसटी, 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना हो, बड़े बड़े फैसले लिए। उनका फैसले लेने का ध्रुव वाक्य क्या है, मूल सोच क्या है? फैसले व्यक्ति को अच्छे लगे ऐसे नहीं लेने चाहिए, मुझे और आपको अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए, मेरे और आपके लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेने चाहिए। इसलिए मोदी जी जब कोई भी बड़ा निर्णय करते हैं, राहुल बाबा तुरंत ट्विटर लेकर मैदान में आ जाते हैं, 7-8-10 ट्वीट ठोक देते हैं, ठीक है ठोक दिए, 15 दिन के बाद जब जनता है फैसलों का स्वागत करती है तो मुंह देखने जैसा हो जाता है। मोदी जी कभी भी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं देते, वोट बैंक के लिए साहसी फैसले लेते हैं, शायद लोग शुरुआत में नाराज भी होंगे परंतु वो फैसले लोगों के लिए अच्छे फैसले होते हैं, देश के लिए अच्छे फैसले। जैसे हमें मलेरिया होते हैं तो क्विनाइन की गोली डॉक्टर देता है तो कटु तो लगती ही है, अरे डॉक्टर क्या खिला दिया तूने, खाना भी अच्छा नहीं लगता, मगर मलेरिया चला जाता है। ये मलेरिया निकालने का काम नरेंद्र मोदी के साहसी फैसले में, नेता ऐसा हो जिसके प्रति जनता में सम्मान हो। मैंने जैसा कहा कोरोना के वक्त हम क्यों लड़ाई जीते, दुनिया के कई देश क्यों अच्छे से नहीं लड़ पाए, क्योंकि वहां सरकारें लड़ी थी, सिर्फ सरकारें लड़ी, यहां पर भारत सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग एक साथ आकर कोरोना के खिलाफ लड़े, इसलिए हमने लड़ाई जीती। और वो साथ लाने का काम नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास ने किया है। मित्रों, नेता ऐसा हो जिसका विश्व में सम्मान हो। आज ही तीसरी बार सर्वेक्षण आया है, हर 1.5 महीने में होता है, ये तीसरा सर्वेक्षण है, मोदी जी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। नेता ऐसा हो जिसके लिए देश सर्वोपरि हो, देश के अलावे कुछ न हो। मित्रों, मोदी जी के कई फैसले ऐसे थे जो लिए अगर उल्टे पड़ते तो कहीं के न रहते, मगर उन्होंने देश के लिए फैसला लिया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे धारा 370 को उठाकर फेंक देना हो, हर फैसला राष्ट्रप्रथम के गुणों के आधार, राष्ट्रप्रथम के सिद्धांत के आधार पर लिया गया। मेरा जो होगा वो होगा, जनता नहीं स्वीकार करेगी तो देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री बदल जाएगा, मगर सफल हुए तो देश आगे बढ़ जाएगा। ईश्वर की भी कृपा साहसी लोगों के साथ रहती है, देश ही आगे बढ़ा। मित्रों, मैंने मोदी जी को कर्मठता से काम करते हुए देखा है, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव में 2 रैली कम कर देंगे तो क्या होगा, कौन पूछने वाला है, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मगर वो हमेशा कहते हैं कि चुनाव जब होता है तब सर्वाधिक परिश्रम करने वाला कार्यकर्ता देश भर में मैं होना चाहूं, ये मेरी अपना फुटपट्टी है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, कई चुनावों में मैंने ऐसे देखा है, लोकसभा और विधानसभा में, देश में अगर सर्वाधिक मेहनत करने वाला कार्यकर्ता ढूंढना है तो श्री नरेंद्र मोदी को ही ये नंबर देना पड़ेगा, इतनी मेहनत करते हैं। एक भावुक राजनेता है, लीडर सेनापति है, और शिवाजी महाराज के लिए स्वामी रामदास ने कहा था, शिवाजी ने
जब छत्रपति बन गए तब संदेश भाग भेजा था कि मेरे लिए एक वाक्य का संदेश क्या है। तब उन्होंने कहा था उपभोग शून्य स्वामी बनना। तब पूछा गया कि उपभोग शून्य स्वामी क्या है, उन्होंने कहा तेरे पास अब राजकोष है, राज की सेना है, बड़े बड़े महल है, राज का पूरा खजाना है, इसका मालिक तू हो गया क्योंकि अब तू राजा है, परंतु इसका उपयोग उपभोग उसका उपयोग अपने लिए शून्य करना कभी न करना। तो उपभोग शून्य स्वामी अगर कोई है तो इस समय का लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी, तो वो अपने आप को स्वामी भी नहीं कहते, इसीलिए प्रधान सेवक कहते हैं। और आज भी वो 18-18 घंटे काम करने वाले व्यक्ति है। 12 बजे के बाद अगर किसी का फोन आ सकता है तो मैं हमेशा समझ कर रखता हूं कि मोदी जी का है और किसी का नहीं। 18 घंटे काम करने वाला व्यक्ति है और अपने साथियों से भी वो कराते हैं। देश की सुरक्षा के मामले में जीरो टॉलरेंस को उन्होंने अपनाया है। मैं छत्तीसगढ़ में हूं मित्रों, मैं जरूर कहना चाहूंगा मूर्ति जी के 8 साल के अंदर वामपंथी उग्रवाद की कसकर धज्जियां उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2009 में इस देश में सर्वाधिक लोग मारे गए, 2258 लोग वामपंथी उग्रवाद के कारण मारे गए। वहां से घटता 2021 में 2258 से घटकर 509 तक ये आंकड़ा आने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जान गंवाने वाले लोगों की संख्या जिला रिपोर्ट सब में कमी ही कमी है। हिंसा की घटनाओं में 50% की कमी, मौतों में 66% की कमी, सुरक्षा बल के मृत्यु में 71% की कमी और वामपंथी उग्रवादियों द्वारा समर्पण में 140% की वृद्धि हुई। ये कुछ जिलों में अब सिमट कर रह गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल लो, यहां से भी चुटकी में चला गया। नहीं तो देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी ने दृढ़ता से काम किया है। कई सारे ऐसे काम किए हैं कि हर गांव में बैंक पहुंचाने का अभियान होता है। 30 सर्वाधिक जिले जो छत्तीसगढ़ के हैं उसमें 1253 शाखाएं खोलने का काम किया है। लगभग 2343 मोबाइल टावर लग चुके नए वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के अंदर और 2542 नए लगने वाले हैं। 243 आवासीय एकलव्य विद्यालय बनाने का काम हुआ है। मित्रों, उन्होंने कई चैलेंजिंग चीजों को भी लिया है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारा किया। मैं पूरी मीमांसा करना नहीं चाहता, मगर सबसे कठिन काम क्या है, जिनका शिक्षा का अभ्यास है उनको कठिन है मालूम है कि दो ही बड़े मसले हैं जो बहुत दिक्कत देने वाले हैं देश को। एक तो एनरोलमेंट 100% होना चाहिए, हर बच्चा स्कूल में दाखिला लेना चाहिए और फिर ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए, कम से कम 10वीं तक वो परीक्षा पास करना चाहिए। तो 100% बच्चे स्कूल में एनरोल हो और 100% बच्चे एसएससी से बाहर निकले। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर जब मुख्यमंत्री बने तब एनरोलमेंट 66% था। जब उन्होंने अपना मुख्यमंत्री काल का टाइम समाप्त करके प्रधानमंत्री बने तो एनरोलमेंट 99.70% था, 66% से 99.70%। और ड्रॉपआउट रेशियो जो 36% था उससे ड्रॉपआउट रेशियो शून्य कर दिया। एक भी बच्चा जो आ गया वो जा नहीं पाता था, उसको स्कूल में कंटिन्यूअसली 10वीं तक पढ़ता था। इस प्रकार के काम स्वास्थ्य में भी ढेर सारे काम किए हैं, मैं पूरी कहना नहीं चाहता, मगर इसमें सबसे बड़ा काम क्या होता है तो माता मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को कम करना और डिलीवरी को 100% इंस्टीट्यूशनलाइज करना। मोदी जी ने गुजरात के अंदर इसमें बहुत अच्छे ढंग से आंकड़ों को सुधारने का काम किया था। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अनेक
उपलब्धियां प्राप्त की। सबसे बड़ी उपलब्धि जब वो मेक इन इंडिया कहते थे तब राहुल बाबा हंसते थे, आज उनको मालूम पड़ा है, देश को मालूम पड़ा है कि भारत दुनिया का उत्पादन का बहुत बड़ा हब बन रहा है, स्टार्टअप का हब बन रहा है, एमिक्रॉन स्टार्टअप का हब। मित्रों, ये सोचने की पंगुता जिनके अंदर है उनको ही मखौल उड़ाने का साहस होता है। जो लक्ष्य तय करकर, मेहनत करकर, आयोजन करकर, विश्लेषण करकर, पुनः आयोजन करकर लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ते हैं उनको सफलता ही मिलती है। और मोदी जी ने 8 साल के अंदर समग्र विश्व के अंदर भारत को उत्पादन का हब बनाने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है। सबसे ज्यादा निर्यात अगर 75 साल में कोई एक वर्ष में हुआ है तो 21-22 के वित्तीय वर्ष में हुआ है। तो भारत निर्यातक देश बन रहा है, भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन रहा है। और उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हमारे सामने लक्ष्य रखा है कि आत्मनिर्भर भारत की नींव डालना, और जब देश की आजादी की शताब्दी मना रहे हो तब आत्मनिर्भर भारत बना। कई सारे फैसले लिए,